अब जे ग्वाल वाला भागे सीला भाभी पीछे पड़ गई, ग्वाल वाला ना गई। अब सीला भाभी पीछे जो ग्वाल वाला भाग मन सुगा समझ आए कि बोलो रे कन्हैया, हमें ऐसा लगता है सभी भाग गए। और जैसे ही ग्वाल वाल सब भागे तो भगवान कन्हैया को ग्वालिनी ने पकड़ लिया। और तो ग्वाल वाल भागे, ग्वालिनी पकड़ लो जब भगवान कन्हैया को, ग्वालिनी समझ आए के बोली है, अरे कन्हैया जब भी मैं मैया सोदा के पास शिकायत लेकर के जाती थी, सोदा ये कहती थी कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, आज मैं मैया सोदा के पास लेकर के जाऊंगी ग्वालिनी, तब तुझे पता चलेगा। एक बात सुनो, मैं मैया की जोरी मत लेके जाओ, मैं कान पकड़ रहा हूँ तेरे। ग्वालिनी समझाए के बोली, लाला आज के बाद तुम चोरी करना भूल जाओगी। मनसुखा बोलो ग्वालिनी, क्या कह रही है? कन्हैया चोरी ना करेगा, और चोरी का करना छोड़ देगा, क्यों ऐसी क्या बात है? मनसुखा समझाए के बोलो है ग्वालिनी, चाहे तुम कितनी शिकायतें करो। ग्वालिनी गुस्सा आएगी, मनसुखा के तो डंडा था। अब मन सोगा बाद अरे आएगो ग्वालिनी के पास, बोलो ग्वालिनी तुम मार भी सब कितने बोले, लेकिन तुम जब बात कह रही हो जो कन्हैया चोरी नहीं करेगा, तो एक बात हम तुम्हें बताए। मन सोगा कहने लगा, नाचने लगा मन सोगा, मन सोगा बोलो, अरे चोरी रोज करेगा कन्हैया मार, ग्वालिनी को प्यार चोरी रोज चोरी रोज करेगा कन्हैया मार,
भाई जिस घर को खाली देखेगा श्याम सुंदर उसी में चोरी करेगा। पता से मान्या भाभी मान्या। अब ग्वालिनी काय को मान दिया। अब ग्वालिनी बिचारी मन सुखा से कही तू ठाड़ो है तो हम पहले बताए थे अब मन सुखा भागो भगवान के नहीं आता। हाथ पकड़ा ग्वालिनी ने और ग्वालिनी से ग्वालिनी बोली लाला आज मैं तुझे बगर शिकायत करी नहीं मानूंगी। अब ग्वालिनी जब लेकर के चलने लगी तो भगवान कन्हैया ग्वालिनी से कहती हैं भाभी अरे मेरी बात तो सुन ले बोलो समझ आ रहे हैं यमुना मैया भी सौगंध खाता हूँ मैं तेरे घर में चोरी करने नहीं आया था हमें तो जो मन सुखा जब जत्ती ने वाला तुम्हें ग्वालिनी बोली लाला हम जान रहे बात है तो तुम पेट में ही बनाने से क्या है ग्वालिनी लेकिन आज हम तुम्हें छोड़ेंगे मैया। उस दिन गुस्सा तो लला जावा तक ये तुमने हमारे सास के हाथ में पटक लिया वोट डाल दिया ना मैं तेरे कान पकड़ रहा हूँ अब हमारे कान पकड़ो चाहे भाई कान पकड़ो लेकिन हम छोड़ने वाले ना है। हाँ तो तुझे बहुत विनती कर रहा हूँ तुम्हें किसान वो तू मान गया। अब तो भगवानी नहीं समझ आए की बोली हम लाला आज बिल्कुल ना छोड़ सका सोई मन सुखा समझा यानी भगवान कन्हैया बोली है भाभी मेरी बात मान ले भगवान कन्हैया बोले भाभी सुन ले और गोकुल की गुजरिया और मदीना निवाय नहीं मानी हाथ पकड़ के भगवान को जब खेच दबी लेके चंद ग्वालिनी समझ जाए के बोली है और एक कन्हैया हमें एक बात बताए दो कहने
लगे लाला मुझे थोड़ी मालूम दी तुझे चोरी करना कम से सीखे। अब जो ग्वालिनी खेचती जा रही है भगवान पीछे ही पीछे जा रहे हैं। ईमानिया भाभी अब सोचने लगे क्या करना चाहिए। तो हम कह रहा हूँ मान्या नहीं करता शरम आएगा जाके तो मैं कोना दया आ रही ये भाभी ने तो मान लिया। कोई घूंघट मारी गैस लेके अब जो ग्वालिनी जा रही लम्बो घूंघट डाल रहे क्योंकि गाँव की बहू रहे हैं। सो मतलब ये होगा अब जो ग्वालिनी जब खेच दबी नहीं जा रही सो भगवान का नहीं यार सोच लगे अब कैसे बचो जाए। तो इन्हें कहा देखोगा भाई ग्वालिनी को यानी पति उसी रास्ता में चला रहा है। सोई भगवान ने समारे के सारू करके बुलाओ भगवान है। और बुलाने के बाद में चकई भैया बोलो अब जे भाभी हमें जब जत्ती माथन खवान ले भाई जाते हैं ऐसो करो हमारी इच्छा ना है हमारे बदले में तुम चले जाओ। अरे तू सही अब ग्वालिनी मतलब जो रहे सो भगवान ने अब आगे आदमी को हाथ पकड़ाए गए और भगवान निकल के भाग गए। मैया सोदा से पहुंचे अब ग्वालिनी गाँव की बहु रह सो बने घूंघट में जाए ना जाने पाई का हो अब ग्वालिनी खेचत वही ले जाए। और जैसे ही मैया सोदा के दरवाजे पे पहुंची सोई ग्वालिनी ने आवाज लगा दी मैया सोदा अरे मैया सोदा अरे को आई गई मैं तेरे दरवाजे पे चप्पी शिकायत लेकर के आती थी तू मेरी कभी बात नहीं मानती थी। आज मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथों से पकड़ के लाई मैया सोदा समझ आए की कान लगी ओरी ग्वालिनी पागल हो गई है का सवेरे से कन्हैया मेरे घर पे है क्यों ऐसी और तू जो कह रही है कि हमारा कन्हैया चोरी करने गया था। मैया ग्वालिनी बोली मैया अगर तो विश्वास ना है तू बाहर तो निकल गया तुम जख्म देख तो ले जो किन को लाला है। सोई मैया सोदा बोली अरे ग्वालिनी तुम जख्म जा घूंघट को हटा के तो देख जो किन को लड़का है। जो ग्वालिनी ने घूंघट हटाओ और बाकी तरफ देखो सोई सोच लगी क्यों मारी गुस्सा के मारे दो घूसा दी पीठे और जगह जब बताओ जहां तम तक घर गए जी चले आए हमारे पीछे पीछे सोई खान लगो हमें का मालूम तू कहां ले जा रही है हम समझे माँ खाने कमा ले जा रही है। तब तक ही भगवान कन्हैया अंदर से निकल आए मैया सोदा से बोली है भगवान मैया कहने लगे देख लिया मैया मैं कभी किसी ग्वालिनी के घर पे नहीं जाता हूँ फिर भी ये ग्वालिनी नया नया उल्हाना लेकर के आते हैं। भगवान के नहीं ग्वालिनी से समझ आए के बोले हैं ग्वालिनी जब कभी शिकायत यानी दरवाजे पर रोज शिकायत लेकर के आ जाती हूँ हम कभी इनके घर पर चोरी करने जाते हैं। अब तुमने देख लिया इन ग्वालिनियों की दशा सोई ग्वालिनी बोली लाला आप तो तुमने कर आया अब अगली बार आइए वाला तब हम तुम्हें बताएंगे बढ़िया तरीका से। अब ग्वालिनी समझ आएगी बोली अरे मैया सोदा मैं अपना मैया की सौगंध खाती हूँ अपने पति की सौगंध खाती मैं तेरे लाला को ही पकड़ के लाई थी और पता नहीं ये रास्ते में क्या हो गया और मैया तो सच सच बताई है कितना की बात समझ आएगी ग्वालिनी बोली है मैया सोदा कैसे
Thank you.